नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के 49,568 की भर्ती के बारे में। और यहाँ पे मैं आप सभी को जानकारी देने वाला हूँ इसके सेकंड बैच के बारे में कि जो 35,568 कैंडिडेट बचे हुए हैं उनकी ज्वाइनिंग कब तक हो पाएगी और क्या मार्च में इसके मेडिकल होने हैं और अगले बैच में कितने कैंडिडेट जा सकते हैं, सिविल पुलिस जाएगी टोटल या पीएसी जाएगी या कितने कैंडिडेट जाएंगे, तो पूरी जानकारी इस वीडियो में आप सभी को मिलने वाली है। सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आप सभी को बता देते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ कि यहाँ पर 35,568 के बारे में कि इसके मेडिकल मार्च में होंगे या नहीं होंगे। तो देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है, जब 49,568 में से 14,000 का पहला बैच बना था तो उसकी जो आपकी जेटीसी थी, जेटीसी स्टार्ट हुई थी 6 अक्टूबर से और उसके जो मेडिकल स्टार्ट हुए थे वो हुए थे 7 सितंबर से। तो आप समझ सकते हैं, यानी एक महीने का लगभग टाइम लगा था जिसमें सारी प्रक्रियाएं कंप्लीट करवा ली गई थी। अब बहुत सारे कैंडिडेट का ये कहना है कि पहले से ही स्टार्ट हो जाएगा या ये होगा, तो देखिए यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूँ कि आपका जो स्टार्ट होगा उसके लिए भी मैक्सिमम अगर मैं मानूँ तो एक महीना ही लगेगा। यानी बहुत सारे, जब भी मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ तो सबसे ज़्यादा कमेंट आते हैं 49,568 की भर्ती को लेकर कि इसका सेकंड बैच कब जाएगा। और रीज़न उसका ये भी है क्योंकि मैं शुरू से लेके एंड तक इस भर्ती से लगभग कनेक्ट रहा हूँ, तो इसीलिए इसके लिए मुझे सबसे ज़्यादा क्वेरी आती है। तो यहाँ पर इस चीज़ को मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि आप सभी को बता दें, बहुत सारे कैंपेन चलाए जा रहे हैं और डेली आप 10-20-50 वीडियो देख लेते होंगे। अगर चेक करेंगे तो डेली 10-20 वीडियो डलती हैं इससे रिलेटेड किसी न किसी की। तो यहाँ पे पहली बात तो ये क्लियर है कि आपकी 35,568 का जो है अभी कुछ नहीं हो रहा है फिलहाल। और अगर मैं बीच में बात करूँ कि अभी आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो सकती है तो 0% पॉसिबिलिटी है भाई मेरे। ये चीज़ एकदम क्लियर है कि आपका जो सेकंड बैच जाएगा वो मई में ही जाएगा, उससे पहले जाने के कोई चांसेस नहीं है क्योंकि सभी ट्रेनिंग सेंटर पे कैंडिडेट पहुंच चुके हैं और सभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो कोई भी ट्रेनिंग सेंटर वर्तमान में खाली नहीं है। तो इसलिए बीच में तो आने का मतलब नहीं है। और ये बात भी क्लियर है कि मई में आपका जो होगा, मई में आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। अब दूसरी बात ये है कि मार्च में मेडिकल होंगे या नहीं, तो जब आप समझ सकते हैं कि मार्च में या फरवरी में मेडिकल करवाने का कोई सेंस नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि फरवरी में ये प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी और मार्च में फिर मेडिकल वगैरह स्टार्ट करवा दिए जाएंगे, तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि आपके जो ये मेडिकल और डॉक्यूमेंटेशन वाली जो प्रक्रिया होगी और जो वेरिफिकेशन वाली प्रक्रिया होगी, वो सारी जो प्रक्रिया होगी आपकी जाके कंप्लीट होगी लगभग अप्रैल में स्टार्ट हो जाएगी। शुरुआत में ही स्टार्टिंग अप्रैल में ही आपकी शुरू होगी और लगभग एंड में जाते जाते अप्रैल में ख़त्म हो जाएगी और मई में डेफिनेटली आपकी ज्वाइनिंग करवा ली जाएगी। तो ये तो रहा पहली बात, यहाँ पे क्लियर होगी। दूसरी बात होती है कि कितने कैंडिडेट जाएंगे, टोटल सिविल पुलिस जाएगी या नहीं जाएगी और पीएससी वाले जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से पहले जो नोटिस जारी किया गया था उस चीज़ में एक चीज़ क्लियर की गई थी कि 14,000 का ही सेकंड बैच बनेगा, लेकिन बहुत सारी स्थिति बदल गई है तो हो सकता है कि इस बार 14,000 की जगह पे जितनी बार उनकी मैक्सिमम कैपेसिटी है उसी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कैंडिडेट को भेजा जा सकता है। लेकिन इसके लिए कोई भी ऑफिशियल नोटिस या कोई भी ऐसी कोई जानकारी अभी तक नहीं मिली है जिसके अकॉर्डिंग मैं आप सभी को कह पाऊँ कि कितने कैंडिडेट जाएंगे। इस वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही पर्पज़ है कि आप सभी को ये क्लियर हो जाए कि मई से पहले कोई भी कैंडिडेट ट्रेनिंग पर नहीं जाएगा, यानी कोई भी दूसरा बैच ट्रेनिंग पर नहीं जा पाएगा। दूसरी बात यह है कि कितने कैंडिडेट जाएंगे ये अभी डिसाइड नहीं हुआ है, जैसे ही डिसाइड होगा इसके बारे में कोई भी जानकारी मिलेगी मैं आप सभी को अपडेट ज़रूर करा दूंगा। तब तक प्लीज़ पेशेंस रखें। आप कहते हैं कि मैं भूल गया हूँ या वीडियो नहीं बनाता हूँ, तो उसका रीज़न ये नहीं है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है कि इसके बारे में कोई फिलहाल ऑथेंटिक अपडेट नहीं है, तो अपडेट मैं आपको कैसे दे पाऊँ। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आप समझ गए होंगे। फालतू का वीडियो देखने और समय बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं है। इससे बढ़िया मैं आप सभी से कहूँगा कि आप अपनी पढ़ाई वगैरह पर ज़्यादा फोकस करें, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगर कोई भी ऑथेंटिक जानकारी आए तो आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।